सो so, इन दोनों हिस्सों को जो चीज आपस में जुड़े हुए है ना कनेक्ट किए हुए उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है जी सो बेसिकली दिस ब्रिज बेसिकलीस कॉर्नर इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट तो इसका मतलब भी यही है कहने का कि जो कोई भी काम जो माजी में पास्ट में पीते हुए कल के अंदर स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट के अंदर चल रहा है जा रही है हो रहा है तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे ठीक है जी सो so, बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूटेंस है जो कि माजी के अंदर स्टार्ट हुई एन एक्शन एन इवेंट और समथिंग एंड इट स्टिल है प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर थी ईयर्स या फिर आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि मैं दो हजार बीस से इंग्लिश सीख रहा हूँ या फिर मैं दो साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ ये दो साल पहले काम स्टार्ट हुआ और भी भी है और अभी भी जारी है the second use of present perfect continuous tense is something which started in the past and has recently finished and it has consequences in the present or results matlab koi bhi jo maazi start hui present ke andar अभी recently haal hi recently khatam ho uska asar uska result consequences hame प्रेजेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आपका कोई दोस्त वो ग्राउंड के अंदर आपको थका हुआ नजर आ रहा है तो आप कहते हैं कि यू लुक देन डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक विद आई हैव बीन रनिंग दैट्स द रीजन आई एम आईड मतलब मैं भागता हूँ इसलिए मैं थका हूँ सो द थिंग द एक्शन जो था रनिंग दौड़ने वाला वो तो खत्म हो गया लेकिन उसका हमें प्रेजेंट में इफेक्ट ये मिल रहा है कि वो थका हुआ है right? राइट

We are talking about present perfect continuous tense, and the first use of present perfect continuous tense is to talk about an action which started in the past and still continuing now. This is often used with since and for. But present perfect continuous tense ka joyla, samala, is meam talk karenge, kisi calm, ki kisi action, ki even ki joke, mazime, bite past mesartua or abhi present kiender abi और यहाँ पे हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर ये वो, ये वो जो एक्शन होते हैं ये वो वाले काम होते हैं जिनको हम अनफिनिश्ड एक्शन भी कहते हैं मतलब कि अभी खत्म नहीं हुए जा रही है ठीक है अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन लिविंग इन कैनाडा फॉर थेनीयर्स या फिर मैं कहूँ कि आई हैव बिन लिविंग इन कैनेडा सिंस ट्वेंटी इलेवन मतलब मैं कैनेडा में दस साल से रह रहा हूं या फिर मैं कैनेडा में दो हजार ग्यारह से रह रहा हूं इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर मतलब एक है लेकिन देखें इसके अंदर ये चीज है कोई भी ये काम है रहने का कैनेडा के अंदर ये 2011 में स्टार्ट हुआ या फिर 10 साल पहले स्टार्ट हुआ स्टार्ट माजी के अंदर हुआ 2011 इलेवन वर्स एंड थे पीछे वो भी एक पास था और अभी भी ये काम जारी है प्रेजेंट के अंदर इन 2022 इन 2023 ट्वेंटी थ्री जब भी होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ये काम अभी भी जारी है चल रहा है तो खत्म नहीं हुआ सो दैट्स रीजन हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे इसके अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल पढ़े फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप नए हैं तो आप अपने कंपनी में पहले वाले कुलीग से पूछते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं आप कहते हैं भैया आप इस कंपनी में कितनी देर से काम कर रहे हैं कब से काम कर रहे हैं ना तो आप इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन दिस कंपनी तो जवाब में वो बोलता है कि भाई मैं इस कंपनी में पिछले पांच साल से काम कर रहा हूं या मैं इस कंपनी में 2015 से काम कर रहा हूँ आई हैव बिन वर्किंग इन कंपनी फॉर कंपनीय मैं पांच साल से काम कर रहा हूँ या फिर आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस ट्वेंटी या फिर मैं इस कंपनी में दो से काम कर रहा हूँ सेम चीज ये होती है कि कोई भी काम जो माजी में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूस है दैट्स द रीजन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अनदर एग्जांपल इज अक्सर आप लोग ये अपनी हिंदी या उर्दू जबान पूछते हैं कि आप किसी अपने बच्चे से किसी और से पूछ सकते हैं कि भाई आप पिछले तीस मिनट से क्या कर रहे हो वट डूइंग फॉर द लास्ट थर्टी मिनट्स कि आप पिछले तीस मिनट से क्या कर रहे हो सो so, जितने भी यानी कि ऐसे काम है जो माजी में स्टार्ट हुए और प्रेजेंट के अंदर चल रहे हैं वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच

एग्जाम्पल आप पार्क के अंदर पिछले तीस मिनट से भाग रहे थे और भागने के बाद आप थक गए थोड़ी देर रेस्ट के लिए आप बैठे बेंच वगैरह पे ठीक है आपका कोई फ्रेंड आपको एकदम अचानक से देखता है तो आप बेसिकली थके हैं दौड़ने के बाद तो आपके पूछते हैं भाई क्या हुआ आप थके हुए लग रहे हैं क्या हुआ तो आप ऑब्वियसली ये जवाब देते हैं कि मैं पिछले तीस मिनट से भागता रहा हूँ इसलिए मैं थका हुआ हूँ आई है थर्टी मिनट द रीजन आई एम था ठीक है तोड़ने वाला काम तो खत्म हो गया थोड़ी देर पहले और प्रेजेंट में इसका इफेक्ट क्या है कि आप थके दोस्त तो को बता भी रहे हैं कि ये रीजन है, is, example, children, ये, आपके बच्चा या कोई बच्चा या बच्ची आपके पास आए एंड इफ यू सी देर आईज आर रेड उनकी आंखें रेड हैं तो आप कहते हैं हे hey, क्या हुआ क्या आप रोते रहे हो फॉर एग्जाम्पल क्राइंग

औरत है आप अपनी किसी सहेली को काफी टाइम के बाद मिलती है जो पहले थोड़ा सा उनका कलर इतना वाइट नहीं था तो हेल्दी भी देख रही है तो आप कहते हैं उसको ओ माई गाड आपका रंग सफेद हो गया आप हेल्दी हो गए क्या खाती रही हो ऐसे सवाल अक्सर पूछते हैं वट है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन के सेंस में तो जवाब में अक्सर बोल सकते हैं कि आई हैव बीन ईटिंग लॉट ऑफ सैलड एंड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ द वाटर दैट्स द रीजन I look healthy and my colour is changed. Yeah. yes, I have been going to the gym and I have been doing intermediate fasting. That's the reason I have lost a lot of the weight. Yep. Right, so this was the second use of Present Perfect Continuous Tense. I hope you have understood. And thank you very much for watching my videos. God bless you all.